तो बच्चों हमने जो केमिकल कैलकुलेशन आज स्टडी करनी है इसमें हमारे पास 3 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम रीड करेंगे मोल और मास के दरमियान क्या रिलेशन है। सेकंड हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि मोल्स और पार्टिकल्स में आपस में क्या रिलेशन है। थर्ड हम देखेंगे मास और पार्टिकल्स में आपस में क्या रिलेशन है। तो बच्चों इन केमिकल कैलकुलेशन को आगे फर्दर स्टडी करने से पहले हम लोग इसके मेथड की बात करते हैं कि हमने केमिकल कैलकुलेशन करनी कैसे है। तो बच्चों केमिकल कैलकुलेशन करने के हमारे पास कुछ क्या होंगे स्टेप्स पाए जाएंगे, पास कुछ स्टेप्स पाए जाएंगे। इन स्टेप्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गिवन डाटा के बारे में। सेकेंड हम बात करेंगे टू फाइंड। थर्ड स्टेप में हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला और फोर्थ स्टेप में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो ये चार स्टेप्स क्या हैं बच्चे, यहां पर देखिए गिवन डाटा आपको रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी उसने आपको केमिकल कैलकुलेशन के लिए स्टेटमेंट दी होगी तो उसमें उसने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है वो यहां पे क्या बन जाएगी आपके पास, क्या गिवन डाटा बन जाएगी। टू फाइंड में आप क्या लिखेंगे, वो चीज जो आपने फाइंड करनी होगी कैलकुलेट करनी होगी उसको आप इसमें लिखेंगे टू फाइंड में लिखेंगे। इन दोनों स्टेप को लिखने के बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने यहां पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, फिर आप फॉर्मूला की हेडिंग देके फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट लास्ट टाइम में आप क्या करेंगे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये तो हमारे पास है एक जनरल ओवरव्यू कि केमिकल कैलकुलेशन क्या है, कितनी कैटेगरी की आप बुक में अवेलेबल है, उनको सॉल्व करने के हमारे पास मेथड कौन सा है और उस मेथड के फोर स्टेप हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सो लेट स्टार्ट। हम आप देखेंगे कि मास और मोल में आपस में क्या कैलकुलेशन है, हम इन तीनों कैटेगरी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल।